इस खुरम साजिद, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम खुरम साजिद है और ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आज के ज़माने में और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पीसी बिल्ड करा रहे हैं। मोस्टली गेमिंग पीसीज हो रहे हैं और एडिटिंग के टाइम पे और लाइक वर्क के लिए भी लोग अपने लिए एक कस्टम बिल्ड पीसी बिल्ड करा रहे हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों में एक ये चीज़ देखी कि यार जब लोग पीसी बिल्ड करा रहे होते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिसकी वजह से मैं इसका एक सोल्यूशन लेके आया हूँ कि यहाँ पर जो मैं पांच चीजें आपको बताऊंगा, दो इसमें बोनस टिप्स है कि यार क्या क्यों आप किस तरह की चीजें रखें अपनी पीसी बिल्ड के अंदर, या ये चीज आपकी यूनिवर्सल होगी, ये हर पीसी बिल्ड पे अप्लाई होगी, चाहे वो वर्क के लिए है चाहे वो गेमिंग के लिए है। तो पहली टिप क्या है, पहली टिप मेरी ये है कि बाइंग अ गुड प्रोसेसर ओवर अ गुड जीपीयू। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बजट में रहते हुए जीपीयू ज्यादा महंगा खरीद लेते हैं और प्रोसेसर थोड़ा कम। उनको ये लगता है कि मे बी मेरा गेमिंग में काम है या ओनली 3D वर्क में काम है तो शायद GPU मेरा ज़्यादा वर्क करेगा। या दैट इज़ वन केस, बट मैंने जब अपने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम PC बनवाया तो मैंने उसके अंदर RX 580 रखवा लिया 8GB। तब मैंने RX 580 और साथ में 8GB उसका VRAM थी और साथ में मैंने जो प्रोसेसर रखा है वो 2500 था, मतलब Core i5 2500 जो कि सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है। अब जब मैं गेम्स खेलना स्टार्ट हुआ तो वो GPU तो सारी गेम्स को हाई पे चलाता था, बट जो हमारा CPU था वो इतना पावरफुल नहीं था कि उन हाई टेक्सचर्स को आगे आउटपुट दे सके। तो यहाँ पर क्या आ जाता था कि बॉटलनेक हो जाता था GPU हमारा। जब बॉटलनेक होता था, बॉटलनेक का अगर आपको नहीं पता तो बॉटलनेक आप इजीली समझ लें कि जैसे पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है लेकिन बॉटल का जो नेक है वो छोटा है, और जहाँ पर बॉटलनेक की हम बात कर रहे हैं वो हमारा CPU है और जो पीछे प्रेशर आ रहा है वो GPU है। तो यही होता है कि जब आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल GPU एक स्मॉल प्रोसेसर के लगाते हो तो उसमें बॉटलनेक आता है, क्योंकि अगर जैसे GPU बहुत सारे हाई टेक्सचर्स को तो प्रोसेस कर सकता है लेकिन हमारा CPU नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको हमेशा जाना हो तो जरूर, अगर आप दोनों चीजें बैलेंस लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस लें, लेकिन अगर आपका बजट कंसर्न है तो आप हमेशा एक अच्छा CPU ले ना कि अच्छा GPU, बिकॉज वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। दूसरी टिप मेरी ये है कि यार बाइंग अ गुड केस। ये चीज के ऊपर मैं इतना फोर्स करता हूँ हर किसी को जब भी कोई PC बिल्ड करा रहा होता है कि प्लीज बाय अ गुड क्वालिटी केस। लोग समझते हैं कि मे बी केस इज अ सेकेंडरी एसेसरी जो कि हम बाकी PCs के पार्ट्स बना के केस लेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। आफ्टर लाइक बिल्डिंग 3 और 4 times एक मैंने PC बनवा चुका हूँ, मैंने कभी भी PC का ये नहीं देखा। एक गुड केस बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस से फर्क ला सकता है। गुड केस के साथ आपको गुड वेंटिलेशन मिलती है, अच्छे मटेरियल्स मिलते हैं और अच्छी स्पेस मिलती है, क्योंकि अगर कल को आप अगर अपग्रेड भी करते हैं तो अगर आपने एक साथ थोड़े से पैसे लगाए होंगे तो आप इजिली अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हैं आप। और मजे की बात इसमें यह है कि आपको बहुत सारा केबल मैनेजमेंट का काम मिल जाता है इसके अंदर। सस्ते केस में कभी भी आपको केबल मैनेजमेंट का काम नहीं मिलेगा, लेकिन एक बड़े केस में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, आप इजीली उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तीसरी टिप मेरी ये है कि जब आप एक पीसी बिल्ड करा रहे हो, अब ये उनके लिए है जो बजट कंसर्न्स पे है, बजट के रीजंस हैं उनके, तो यार डोंट गो ओवर टू मच एस्थेटिक्स। यहाँ पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एस्थेटिक्स के पीछे लोग चले जाते हैं कि हाँ यार RGB सुना है तो RGB तो होना चाहिए, ज़रूर लगाएं, लेकिन RGB को अपनी एक प्रेफरेंस ना बनाएं, क्योंकि RGB आपका बहुत सारा पैसा खा जाएगी और आप उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगवा सकते हैं। लाइक अगर आप RGB फील्स ना लगाएं और कोई नॉर्मल फैंस लगाएं तो आप उस ऐसे से SSD खरीद सकते हैं और बहुत सारे काम और कर सकते हैं। आप और ज्यादा फैंस खरीद सकते हैं, जहां पर आपने 2 RGB फैंस लगाने थे वहां पर आप 4 non-RGB फैंस लगा सकते हैं। और एस्थेटिक की तरफ ना जाएं। मोस्टली कभी कभार ये होता है कि फैंस, हार्ड ड्राइव्स, रैम्स एंड अदर थिंग्स के अंदर RGB की वजह से उसकी प्राइस हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बजट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपने रैली में कोई अच्छा PC नहीं बनाया होता। अगर आप RGB की तरफ ना जाएं और किसी और चीज़ों में इन पैसों को इन्वेस्ट करें तो आपका PC ज़्यादा अच्छा बन सकता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि पहले RGB की तरफ ना देखें, पहले अपना PC सेट करें, अच्छा केस लें, अच्छा प्रोसेसर लें, उसके बाद आप RGB फैंस, RGB स्ट्रिप्स इनकी तरफ जाएं। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी लगवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल लगाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ARGB फैंस मत लगाएं जो कि आपके बजट को ख़राब करेगा। फोर्थ टिप मेरी ये है कि बाइंग अ गुड पावर सप्लाई।
पावर सप्लाई हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग बेकार पावर सप्लाई ले लेते हैं और जब वो पीसी अपग्रेड करते हैं तो उनकी पावर सप्लाई उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती और उनको नई पावर सप्लाई लेनी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा एक अच्छी वॉट की पावर सप्लाई लें ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी अपग्रेड करें तो आपको कभी भी मुश्किल ना हो और आप ईजिली अपने पार्ट्स को अपग्रेड कर सके। जैसे अगर मैंने अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले GPU की बात की तो ये 750 Ti या 1050 Ti एक नॉर्मल GPU है, इनको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कल को आप 1050 Ti लगाते हैं या 1080 Ti लगाते हैं तो उसके आपको 8 पिन के अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पावर सप्लाई में अवेलेबल नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको एक अभी से ही थोड़ी अच्छी पावर सप्लाई लेनी चाहिए। AC+80+ Gold लेनी चाहिए, AT+ Silver ले लें या कोई रेटिंग की पावर सप्लाई लें, अच्छी कंपनी की पावर सप्लाई लें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा था कि कुछ लोग रेड मैक्स की पावर सप्लाई ले रहे थे। अगर आपको कोई सेलर रेड मैक्स की पावर सप्लाई सेल करना चाहता है तो उसे कहें कि मैं रेड मैक्स की पावर सप्लाई नहीं लगवाऊंगा। और मेरे हिसाब से ये जो चाइनीज़ कंपनीज है इनकी आपको पावर सप्लाई लेनी ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप यूज्ड में अच्छी कंपनीज की पावर सप्लाई ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल आ जाती हैं EVGA की बहुत सारी है, कॉर्सेयर की यूज में बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, 3-4 हज़ार के अच्छे 550 वॉल्ट तक मिल जाती है आपको, तो आपको बहुत तक जाना चाहिए। और आपको अच्छी रेटिंग भी मिल जाती है, कभी कभार आपको सिल्वर रेटिंग भी मिल जाती है और कभी कभार 80+ Gold भी मिल जाती है, यूज की बात कर रहा हूँ 6 to 7 hours। पांचवी टिप मेरी ये है कि यार अगर आप आज के ज़माने में एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर SSD। SSD चाहे किसी भी वे में हो सकती है, M.2 हो सकती है, NVMe हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन आप ज़रूर SSD की तरफ जाएं। अब यहाँ पर लोग कहेंगे यार हमारे बजट कंसर्न्स हैं, हम 500 HDD लेनी चाहते हैं। आपकी मर्जी है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप PC बिल्ड कराना चाह रहे हैं, आपके बजट कंसर्न्स भी हैं, तब भी आप एक अच्छी सी SSD खरीदें, क्योंकि एक अच्छी सी SSD लाइक 128 GB तो एटलीस्ट SSD होनी चाहिए। आप वो ख़रीद लें और उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करें, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता नहीं सकता, वो 1000 times बेटर हो जाएगा SSD की वजह से। वही अगर आप HDD खरीद लेंगे तो चाहे आप जितना पावरफुल कंप्यूटर हो लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि आजकल के जितने भी ऐप्स हैं, जितने एडिटिंग ऐप्स हैं, जितना सब कुछ है वो सब SSD रिक्वायर करते हैं, ना कि वो एक ऑप्शनल चीज़ है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपका एडिटिंग का काम होने वाला है, 3D वर्क का काम होने वाला है, तो यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड्स बहुत मैटर करती हैं, तो प्लीज़ गो फॉर एन SSD। अगर आप HDD ले लेंगे तो आपके प्रोग्राम्स बहुत टाइम से रन होंगे और आपकी एडिटिंग रेंडरिंग भी है वो भी काफ़ी टाइम बाद ही रेंडरिंग होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि SSD के साथ जाएं, चाहे आप बजट में बना रहे हैं लेकिन प्लीज़ गो फॉर SSD। 128 GB अभी ले लें, आपके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस होता है, तकरीबन 80 GB आपके पास फ्री होता है। आप कुछ टाइम के बाद इसमें 500 HDD लगवा सकते हैं यूज़ में, जो कि 1500 rupees की आपको मिल जाएगी, या अगर आप इससे भी कम लगा लेते हैं 320 GB की लगा लें, जो कि आपको 1000 rupees की ईजिली मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट डोंट गो फॉर HDD आज के ज़माने में, सिर्फ HDD आज के ज़माने में आपको विंडोज़ का मज़ा नहीं आएगा। आजकल के जितने भी न्यू जो विंडोज़ अपडेट्स हैं वो सारी SSD पे बहुत अच्छी तरह काम करती हैं और HDD अब बहुत पुरानी हो चुकी है। या मास स्टोरेज के लिए आप HDD ले सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ गो फॉर एन SSD। और जैसे मैंने कहा था कि मैं 2 टिप्स ऐसी बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और बहुत ज़्यादा इसमें आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि सर्च इनफ। देखो, सर्चिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक PC बिल्ड करा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं या आपको इन चीज़ों का नहीं पता या आप इसकी फ्रेंड से ले रहे हैं तो यार आप ज़रूर उनसे मशवरा लें, लेकिन अपनी रिसर्च खुद करें कि यार आपका पर्पज़ क्या है PC का। अगर आपको एडिटिंग की तरफ जाना है तो आप एक ग्राफिकल वर्क में ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा GPU थोड़ा अच्छा लें, लाइक बॉटलनेक नहीं करना चाहिए लेकिन थोड़ा सा उसकी तरफ प्रेफरेंस रखें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपका काम एडिटिंग वगैरह का है तो आप CPU अच्छा लें, क्योंकि जो भी एडिटिंग ऐप होता है वो CPU इंटेंसिव होता है। तो यार मैंने सब कुछ बता दिया आपको कैसे क्या करना है जब आप अपना नई PC बिल्ड बनाने जा रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है किन चीज़ों के बारे में, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद मुझे चीज़ें मिलनी हैं, आई लर्न इट द हार्ड वे, बट आप इजी वे में समझ लें इसको। इन चीज़ों के बेस पे अगर आप अपना PC बिल्ड बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा पर्सनलाइज और एक अच्छा PC साबित होगा। तो या ये मेरी आज की, यार मैंने दूसरी वीडियो बना ली, अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने जा रहा हूँ, क्योंकि आई लाइक मेकिंग दीज वीडियोज़ और आप लोगों को सिखाना मुझे अच्छा लगता है और अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कॉमेंट करें अगर आपको कोई मसला है, तो मैं ज़रूर कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है। थैंक यू।